बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र के मल्ला दानपुर में दर्जन भर गांव और श्यामा लीति गांव के ग्रामीणों को जान हथेली पर रखकर मौत का सफर प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के कारण करना पड़ रहा है। आलम यह है कि कई गांवों से प्रशासन का संपर्क टूट गया है। जिन गांवों से प्रशासन का संपर्क टूट गया उन गांवों के लोगों को कई किलोमीटर पैदल सफर तय करके गाड़ी से सफर तय करना पड़ रहा है। सड़कों की स्थिति इतनी खराब है कि एक चूक में बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कई सप्ताहों के बाद भी सड़कें बंद होने के कारण केवल खाना पूर्ति के लिए ही प्रशासन मलबा हटा रहा है। आपदा से निपटने के लिए प्रशासनिक दावे केवल कागजी दिख रहे हैं। प्रशासन के दावों की पोल खोलते बीजेपी के कपकोट ब्लॉक प्रमुख मनोहर राम काफी दुखी हैं। गोगिना रात्रिकोट कर्मी तीख डोला नामती चेटा बगड़ के लोगों को जीवन का डर भी सता रहा है। ब्लॉक प्रमुख मनोहर राम बताते हैं कि जिले के सीमांत गांव में भूस्खलन से आपदा जैसे हालात हो गए हैं। मेरा क्षेत्र गोगिना नामिक इधर रात्रिकेठी मलखाट उंगरचा ग्राम पंचायत हामटे कावड़ी लीची तो का एक छोटा जैसा रामगंगा घाटे के ऊपर है। वहाँ पर आने जाने के लिए पुलिया नहीं है, रास्ता नहीं है और देवी आपदा से प्रत्येक ग्राम पंचायतों में भूस्खलन हुआ है। आंगन की दीवार टूट गए हैं, मकानों के पीछे से मलबा आ गया है और गौशाले जो बने थे भारत सरकार से वो हमारे गौशाले भी बंद पड़ चुके हैं और बहुत भीषण आपदा हो चुकी। आपदा अधिकारी का बयान केवल खाना पूर्ति करने के लिए कहा जा सकता है। अपने बयान में आपदा अधिकारी कहती हैं कि कई दूरस्थ क्षेत्रों की सड़कें बंद हैं और उन सड़कों को बंद किया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो सके और आगे का काम प्रगति पर है। संवाद 365 के लिए बागेश्वर से हिमांशु गड़िया की रिपोर्ट।